तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए Realme 2 Pro और Redmi Note 5 Pro का कैमरा कंपटीशन। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि Realme 2 Pro और Redmi Note 5 Pro से कौन सा कैमरा बेटर है, किसमें आपको अच्छी फोटो देखने को मिलती है। मैंने यहाँ पे सारे कैमरा सैंपल्स लिए हैं, वीडियो सैंपल्स लिए हैं, रात को, दिन को और लो लाइट में सभी जगह ली है। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हमारे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये वीडियो अभी दोनों फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है, तो आप देख सकते हैं किसमें आपको बेहतर क्वालिटी दिख रही है। आप बताइए कमेंट में आपको कौन सा कैमरा का वीडियो ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी मैं आपको चारों तरफ घुमा के दिखा देता हूँ। अब जो है दोनों फोन के फ्रंट कैमरा का EIS चेक कर लेते हैं कि इसमें किस तरह की स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। ये कुछ कैमरा सैंपल्स देखिए, नॉर्मल मोड में लिया गया है फ्रंट कैमरा से दोनों का और ब्यूटी मोड ऑफ है, फिर भी यहाँ पे चेहरा जो है काफ़ी ब्राइट कर दे रहा है। Redmi Note 5 Pro में आपका वार्म टोन है थोड़ा सा, जबकि Realme 2 Pro में थोड़ा व्हाइटिश फोटो आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल चॉइस पे भी डिपेंड है आपको किस तरह की फोटो अच्छी लगती है। कुछ कैमरा सैंपल्स देखिए, पोर्ट्रेट मोड में लिया गया फ्रंट कैमरा से, तो यहाँ पे बस एक ही बात कहना चाहूँगा, जो पोर्ट्रेट मोड है Redmi Note 5 Pro का वो थोड़ा बेटर लगता है, उसमें एज डिटेक्शन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन Realme 2 Pro में थोड़ा सा मुझे एज डिटेक्शन का प्रॉब्लम लग रहा है और पता नहीं ये जो कब फिक्स होगा। ये फोटो देखो आप, Redmi Note 5 Pro के फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट मोड में लिया गया है, इसको जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख लो, आइडिया लगा लो इसमें जो पोर्ट्रेट मोड है किस तरह काम करता है। एज डिटेक्शन का प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है Redmi Note 5 Pro में और काफ़ी अच्छी तरह से जो है एज डिटेक्ट कर रहा है। बाकी अब देखते हैं Realme 2 Pro में क्या होता है। ये फोटो देखो आप, Realme 2 Pro से लिया गया है। यहाँ पे अगर आप जूम करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि एज डिटेक्शन का प्रॉब्लम है और Realme 2 Pro का जो फ्रंट कैमरा है वो इतनी अच्छी तरह से एज डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा इशू लगा मुझे। बाकी आप बताओ आपको कौन सा पोर्ट्रेट मोड अच्छा लगा। तो अभी ये वीडियो देख सकते हैं आप, दोनों फोन के रियर कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं थोड़ा घूम के भी आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ कि किस तरह की क्वालिटी जो है आपको दोनों फोन के रियर कैमरा से मिल रही है। और अभी जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो भी रियर कैमरा से ही हो रही है, तो आप देख सकते हैं किस तरह की जो है क्वालिटी आपको देखने को मिल सकती है रियर कैमरा। स्टेबलाइजेशन भी चेक कर लेते हैं किसमें आपको बेटर मिलता है। मैं आपको थोड़ा दौड़ के दिखा रहा हूँ भाग के, तो आप देख सकते हैं दोनों फोन में किस तरह का EIS है और किस तरह काम करता है। दोस्तों अब थोड़ा फोकस भी चेक कर लेते हैं। तो Realme 2 Pro में फोकस डायरेक्ट नहीं हो रहा है आप देख सकते हैं, जबकि Redmi Note 5 Pro में ठीक ठाक फोकस हो जाता है। फिर एक बार ट्राई करते हैं, तो देखिए Redmi Note 5 Pro में फोकस कर रहा है लेकिन Realme 2 Pro जो है फोकस नहीं कर पा रहा है डायरेक्टली, तो ये थोड़ा फोकसिंग का भी इशू लग रहा है, तो देख सकते हैं आप। कैमरा सैंपल्स देखो आप, ये जो है रियर कैमरा से लिया गया है और रियर कैमरा में भी थोड़ा सा आपको कलर टोन में डिफरेंट देखने को मिलेगा और यहाँ जो कलर है थोड़े व्हाइटिश आपको जो है Realme 2 Pro में देखने को मिलते हैं, वहीं क्लोज टू नेचुरल जो है आपको Redmi Note 5 Pro में देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट मोड की बात करें रियर कैमरा से, तो दोनों में ही आपको काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाते हैं और दोनों में ही किसी में भी आपको एज डिटेक्शन का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है और बढ़िया पोर्ट्रेट जो है दोनों ही फ़ोन के आप रियर कैमरा से ले सकते हो। आपको Realme 2 Pro का जूम करके दिखा देता हूँ कि एज डिटेक्शन कैसा है रियर कैमरा में। आप देखो तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का एज डिटेक्शन का इशू नहीं मिलेगा, हालांकि फोटोज जो हैं थोड़े व्हाइटिश लगेंगे आपको Realme 2 Pro का।
अब देखो Redmi Note 5 Pro का, तो यहाँ पे भी अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो किसी भी तरह का एज डिटेक्शन का इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा और बढ़िया जो फोटो है आपको Redmi Note 5 Pro के भी रियर कैमरा से देखने को मिलता है। कुछ क्लोज शॉट्स देखो, दोनों फ़ोन में मस्त क्लोज शॉट्स आते हैं, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि Realme 2 Pro में थोड़ा सा फोकस का इशू है, तो अगर ये फिक्स हो जाए तो अच्छा होगा, नहीं तो अभी जो है आपको टैप करके फोकस करना पड़ता है तभी जाके काम करता है। तो ये वीडियो देख सकते हो, दोनों फ़ोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है, रात को लाइट के अंडर में हूँ। देख लो आप इसमें आपको किस तरह की क्वालिटी मिल रही है, बताना कमेंट में आपको कौन सी क्वालिटी अच्छी लग रही है। तो ये वीडियो देख सकते हो आप, अभी रात को रिकॉर्ड हो रही है और दोनों ही फ़ोन के रियर कैमरा से, तो क्वालिटी देख सकते हो आप, चारों तरफ घूम के भी दिखा दे रहा हूँ। किसमें आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है बताना मुझे कमेंट में। तो दोस्तों ये था हमारा Realme 2 Pro और Redmi Note 5 Pro का कैमरा कंपैरिजन। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूँ कि किसका कैमरा पर्सनली मुझे अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पे आपको कह सकता हूँ कि Realme 2 Pro का जो कैमरा है अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा वाइटिश फोटो आता है तो वो आपके चेहरे को और भी गोरा कर देता है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको किस तरह की फ़ोटो अच्छी लगती है। बाकी Redmi Note 5 Pro की बात करूँ तो उसका जो फ्रंट कैमरा है वहाँ पे भी नेचुरल फ़ोटो आपको देखने को नहीं मिलते हैं, जो कलर टोन है वहाँ पे थोड़े आपको वार्म देखने को मिलते हैं और Realme 2 Pro में जो है थोड़े वाइटिश देखने को मिलते हैं, बस यही डिफरेंट है। बाकी नेचुरल फ़ोटो जो है किसी में आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फ्रंट कैमरा में एज डिटेक्शन जो है बहुत ही बढ़िया है Realme 2 Pro से Redmi Note 5 Pro का, और Redmi Note 5 Pro में किसी भी तरह का एज डिटेक्शन का प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा। अब बात करें अगर रियर कैमरा की, तो रियर कैमरा दोनों का ही अच्छा है, लेकिन अगेन वहाँ पे भी आपको वाइटिश फोटो जो है थोड़े से आपको Realme 2 Pro में देखने को मिलेंगे, लेकिन एज डिटेक्शन का प्रॉब्लम किसी में मुझे नहीं लगा रियर कैमरा में। तो अब आप मुझे बताओ वैसे आपको कौन सा कैमरा का फोटो ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट जरूर करना और वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए।